कलाकार तो बहुत से देखे होंगे पर तुहानू अज असी ऐसे कलाकार मिलावांगे जिन्होंने अखा दे पट्टी बन के धार्मिक चिन्ह जो है दूसरा बनाया है। जो चिन्ह है वह है ओम दा निशान, वह भी घा दे तिनक्या दे नाल मिलाया बनाया है। तो उन्होंने लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच भी उन्हों का नाम दर्ज है। आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं तो उन्होंने किस तरह बनाया तो के उहदे विच की यूज़ किया है। पहले तो सत श्री अकाल वीर जी, बहुत मुबारक है तुहानू जिहड़े तुहानू लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच तुहाडा नाम आया। तो तुसीं सानूं इस दे वास्ते दसो कि किस तरह तुसीं इहनूं बनाया तो की किया इहदे वास्ते। देखो जी, पहला मैं श्री एक ओंकार साहब बनाए थे जिदे 1100 घा के तिनकिया 11000 बार मुड़िया गया अखां दे पट्टी बन के 10 घंटे दे विच। ते रीसेंटली मैं ओम दी कलाकृति सैकेंड धार्मिक चिन्ह बनाया है जी, जो सिर्फ एक घा के तिनके नाल उसी नूं बुण के बनाया गया जी। तो हजे तक का यह घा तो बनया हुआ सब तो छोटी कलाकृति हैगी जो मेरे द्वारा बनाई गई है जी। तो इंटरनेशनल लैवल दे भी अगर इस चीज़ नूं देखा जाए तो यह भी एक अपने आप च रिकॉर्ड हैगा कि एक घा के तिनके नाल भी कुछ आपां कर सकते हैं, कोई कलाकारी कर सकते हैं। मैं सुनया कि लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड तुहानू नाम दर्ज होया है, तो राजपुरे दा पहले शख्स हो गए जिन्होंने रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं राजपुरे का पहला इदा का शख्स हैगा। जब का लिमका बुक का शुरुआत होया उदों तो लेके हजे तक राजपुरे तो किसी भी वीर ने लिमका च अपना नाम नहीं दर्ज कराया। तो यह पहला रिकॉर्ड हैगा लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड के राजपुरे वालों। तो उन्होंने यह रिकॉर्ड मेरी जो काबिलियत हैगी है जिदे मैं अखा च पट्टी बन के घा तो कलाकृतियां बना लैंदा, उस काबिलियत करके उन्होंने यह रिकॉर्ड दर्ज किया है। ये कलाकृतियों के की तो इस तो पहले एक ओंकार बना जिस तरह कह रहे हो तो ओम का निशान बनाया, तो होर की चीज़ा बनाइया तुम्हें इस दिल। इस तो अलावा जी मैं झूमर बना लैंदा जी, गुलदस्ते बना लैंदा, बूटे बना लैंदा, राखियां बना लैंदा, ज्वैलरी बना लैंदा, वक्ख वक्ख प्रकार की कलाकृतियां बना लैंदा जो तुसी अपने मन दे विच विचार कर सकते हो या सोच सकते हो। तो हाल ही च वह कलाकृतियां बारे मुख्यमंत्री साहब नूं पता चलिया तो वह स्पैशली मेरे कोल कलाकृतियां लेने वास्ते आए, कलाकृतियां लेने वास्ते आए। मुख्यमंत्री साहब ने स्टेट अवार्ड भी दिता है जी, होर भी कई उन्होंने अवार्ड दिते ने। तो कुछ कलाकृतियां मेरी प्रधानमंत्री कार्यालय तक गई हैं। इन कलाकृतियों के मैं मतलब कि कुदरती घा हो गया, पराली हो गया, कणक का नाड़ हो गया, इदा की जी वेस्ट मटीरियल है या वेस्ट घा हैगा उन्होंने इस्तेमाल करदा ताकि आप एक मैसेज भी दे सकी कि जिड़ी चीज़ों अग लगा रहे हो उन्होंने आप वरतों करके पोल्यूशन तो इस धरती माता बचा सकते हैं। ये गल की जी, कोई ऐसी चीज़ छोटी चीज़ बनाई जो नवी तो बिल्कुल छोटी तिनके दे नाल कोई चीज़ ऐसी हैगी है तुहाडे कोल जिहड़ी बनाई कोई? हाँ जी बिल्कुल जी, ओम दी कलाकृति हैगी है जिहड़ी कि सिर्फ 3 सेंटीमीटर की है। मैं कैमरे वाला वीर नूं कहांगा कि वह उसनूं साइड शोट दे विच दिखाण। ते होर भी मैं मतलब कि घा अपनी हिंदू संस्कृति विच पवित्र मन्या जांदा है। तो मेरे एक मैसेज है कि देखो बाबा नानक जी ने कहा सी घा विच रब वसदा, यानी कुदरत विच रब वसदा, कुदरत तो लई ही चीज़ां नाल ही आपां क्यों ना उस परमात्मा का मैसेज इस संगत विच या इस जनता विच दईए, जिवें एक ओंकार साहब बनाए या ओम दी कलाकृति बनाई। होर भी मैं मतलब कि इदां दे आर्टिफैक्ट आने वाले टाइम च जरूर बनावांगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸਮੈਨ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟਿਸਟ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਘਾ ਤੋਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਸ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਓਗੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਨਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬਣ ਕੇ? ਰਹਿਸਮਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਘਾ ਤੋਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕੋਰਡ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕਲਾ,
पुश्तैनी मतलब कि अज तो कई साल पहला जब साढ़े पूर्व झुंगी झोपड़िया रेंदे सी उदों भी वो एक कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करते अपने घर सजाने वास्ते अपनी झोपड़ियां सजाने वास्ते पर किसी कारणवश असी मतलब कि उस कला भुल गए बट साड़ी पीढ़ी ने इस कला संजो के रखिया बट अपनी पीढ़ी का मैं पहला इदा का कलाकार हैगा जिहड़ा कि अखां दे पट्टी बन के भी घा तो कलाकृतियां बना लैंदा ते मैं कहना जी ये परमात्मा की मेहर है जी। घर दे की काम करदे ने अपने जिहड़े फैमिली मैंबर च होर कौन कौन है जिहड़े इस कला नूं जानदे ने? पहला तो जी मेरे दादा जी ने जी श्री रामचंद जी तो जिन्हों तो मैं कला सीखी है तो एक्चुअली मेरे पिता जी ने एक कला नहीं सीखी हैगी बट दादा जी ने सीधा डायरैक्टली मैनू ये कला सिखाई है क्योंकि ये जब आप घा बेंड करते हाथों में नज़ाकत चाहिए होंगी है ताकि वह टुटे ना क्योंकि जब वो कलाकृति जिमें आप बना रहे हैं वो घा का तिणका टुट गया तो वह कलाकृति खराब है उन्होंने आप दोबारा मतलब कि दोबारा उसको मतलब जोड़ नहीं सकते इसलिए अपन दोबारा नवा आर्टिफैक्ट बनाना पैंदा है तो मीनस कि वह हत्था की नज़ाकत मेरे को होने करके दादा जी ने गुण मैनू दिया। नहीं फिर फादर साहब ने भी दिता या सिर्फ तो दादा जी ने तुम्हें ही दिता? नहीं दादा जी ने मैनू ही दिता जी। फादर साहब ने दसा इस गल नहीं फादर साहब को पता सी बट वो इंट्रस्टिड नहीं सके क्योंकि एक अंदर तो भी बंदे का इंट्रस्ट होना चाहिए तो वह इंट्रस्ट दादा जी ने मेरी अखा च देखिया तो उन्होंने फिर ये जोड़ा ये कला का गुणदान मैंने दिता। ये सन ग्रासमैन के नाम नाल जाने जाते अभिषेक जी जिन्होंने सानू दसिया कि छोटे तिनके नाल भी बहुत चीज़ा बना सकता और वह भी अखा के पट्टी बन के बहुत हैरानी की गल अखा के पट्टी बन के कि एक छोटे तिनके नाल चीज़ बनाई जाए आने वाले समय से होर भी खुलासे करनगे कोई नवी चीज़ लैके आएंगे। पटियाला तो कैमरामैन आकाश दे नाल सवेरा टाइम लीक कुलविंदर घुम्म दी रिपोर्ट। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374-9947-84374-9948। सियासत व्यापार धर्म ते फिल्म जगत दे नाल हुण कैनेडा ते अमेरिका दी हर वट्टी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।